तो मैं अपने नाम को ख़राब नहीं करती। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि समय गाड़ी पे आप देख रहे हो मुझे, और ये डिफरेंट टाइप की कुछ आउटफिट है, आप जब नीचे उतरेंगे तो आपको देख पाओगे, कुछ डिफरेंट तरीके का है और पहनने में इसको नानी याद आ गई मेरी, तो ऐसा कुछ है। और बाल को बहुत अच्छे से नहीं संवार पाए क्योंकि आज इसके पहले भी एक प्रमोशन किए थे, फिर ये सेकंड करना था, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, बहुत रात हो चुकी है। और कहाँ चल रहे हैं, बहुत सुंदर प्लेस पे चल रहे हैं, देखोगे ना तो आप खुश होने वाले हो आज। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं ये कह दूंगी कि भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया करो देखने के बाद। तो चलो अभी बने रहो, बाद में ये मिलते हैं, क्या क्या होता है अभी दिखाते हैं आपको, कहाँ चल रहा है ये भी बताते हैं आपको। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको हमको दिखाने वाले, और ये देखिए ओवर ब्रिज, और ये देखिए पानी, मतलब ब्रिज और पानी में कितना ज्यादा मतलब कितना कम अंतर है, दिख रहा है एकदम पानी, और एकदम ऊपर तक आ गया पानी। मैं दिखाती हूँ, ये देखो ब्रिज से थोड़ा सा नीचे है केवल, एकदम लेवल बराबर है देखा जाए तो। कुछ ज़्यादा ही भीड़ सूट हो रहा है हमको निकल। यहाँ पे देखो बहुत लोग यहाँ पे सूट के लिए आए हुए हैं, ये देखो आप यहाँ पे तिरंगा उरंगा लेकर के सब लोग खड़े हैं और काफ़ी लोग सूट कर रहे हैं। इधर ही चले सीधा चेक कर लें कि इधर इधर। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ना इतना चिपका के गाड़ी खड़ा किया है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे। फ्रेंड्स आप लोग ये देखिए, और ये देखिए हम आपको बता रहे हैं लोकेशन, आपको बता रहे हैं ये है हमारे रायबरेली की सई नदी, सई नदी है ना, और ये सई नदी है और यहाँ डैम देखिए, और कितना ज्यादा बगल में, मतलब एकदम बराबर ही है, मतलब नदी के ऊपर नदी जा रही है। हाँ, तो बहुत अच्छा लोकेशन है और यहाँ पे हम लोगों को थोड़े बहुत वीडियो शूट करने हैं। अजगर गो, अजगर कहाँ निकल गया? हाँ चला गया हमको लग रहा। चलो तो पहले हम अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद नहीं तो ब्लॉगिंग करते रहेंगे, पता चला जिस काम के लिए वो काम नहीं हो। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये सई नदी कितनी मस्त आई हुई है और यहाँ से इधर पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और ये हमारा रायबरेली का बिहटा का पुल, यहाँ का भी आप व्यू देख सकते हो, कितना ही प्यारा जबरदस्त आया हुआ है। लाओ 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 चश्मा, चश्मा निकाल लो ना उससे, कार से निकालो, कार से, कार से निकालो, कार से ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ का लोकेशन के बारे में अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, तो ये मेरे यहाँ रायबरेली ज़िले का लोकेशन है और यहाँ पे नदी और डैम मतलब नहर ये दोनों एक साथ ही बहता है और बहुत स्पीड में फ्लो में पानी होता है। यहाँ पे हम और तेजस स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत प्लानिंग से नहीं गए थे, अचानक चले गए थे। तो पहले तो मेरा कार में मेकअप चला था, वो आधे घंटे 15 मिनट तक 20 मिनट तक थोड़ा बहुत, तो ये मेकअप नहीं, इसके बाद मेकअप चला था सॉरी, तो वो तो नहीं सूट किया। और यहाँ पे मैं सॉन्ग सेलेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे सॉन्ग सेलेक्ट कर रहे थे कि किस चीज़ पे बनाना है क्योंकि माइंड मेकअप करके ना रखो ना तो बहुत दिक्कत होती कहीं भी पहुँच जाओ तो बस यही सब हो रहा था। और बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था यहाँ पे आ करके, तो बहुत मज़ा आया था। आपको मैं बताऊँ ये लोकेशन बहुत प्यारी है, पिछली बार भी खोया था, फिर अब की बार खोने वाला था सारा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों का यहाँ पे वीडियो शूट हो चुका है और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घर। किसका फोटो तुम शूट कर दो अपने मोबाइल से, अरे कर दो ना तुम, कर दो हो गया, चलो जाओ, चलो हो गया तुम्हारा। इनका ऐसा ही मजाक चलता रहता है इनकी मम्मी का, जब कहते हैं फोटो शूट कराना हो तो तुरंत कैमरा खोलेंगे, हो गया चलो, हाँ मस्त आई होगी फोटो। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का वीडियो शूट हो गया, अब हम लोग चलेंगे घर की ओर। लेकिन तेजस है कि मानने की तैयार नहीं करे कि हमारी पोज लगाओ, एकदम एकदम शाहिद कपूर लगने चाहिए हम देखने में। इनकी मम्मी भी आज कैमरामैन बनी हुई हैं। सही तो आया है, पानी आया, ग्रीनरी आई, सही बात, पानी आई, ग्रीन, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक जाबाज खिलाड़ी, देखे इसीलिए कहा जाता है आग पानी करंट से बचना चाहिए, या कोई नहीं बचा पाता उसको। हो गया भाई, चलो चला जाए, हाँ गजब की यार फ्रेंड्स, देखो देखो कितनी सुंदर फोटो आई है इनकी। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस, ये देखिए यहाँ पे दुल्हन भी बैठ चुकी है, कितनी ज्यादा लग रही है। सही बात, इतना बढ़िया मौसम, इतना ठंडा मौसम है लेकिन इतना पसीना भी आ रहा है, कुछ कहने को आप मेरे फेस से देख सकते हो। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो ना, हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं और रास्ते में भी हम लोग जब आ रहे थे तो एक होटल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गर्मा गर्म
समोसा वगैरह निकल रहा है, तो मैंने कहा कुछ खाने पीने के लिए लेते चलते, तो वहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, लेकिन समोसा ले लिए, कुछ नमक पारा, कुछ मिठाई उठाई ले लिए। यहाँ पर ड्रेस चेंज कर लिए हैं और अभी मेरा यहाँ खाना नहीं बना हुआ है, जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। वहाँ पर वीडियो तो थोड़ा कम ही शूट किए, क्योंकि लोकेशन जब बहुत ज़्यादा अच्छी भी मिल जाती है ना, तो वहाँ वीडियो शूट करने का मन नहीं कहता, वहाँ पर चीज़ें इन्जॉय करने का मन कहता, तो मेरे बहुत इन्जॉय करने के मूड में आ गए, तो जब ऐसा अक्सर होता है। और दूसरा आप जानते हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे मैं एक घंटे जो आपने वीडियो में देखा भी ना, उसमें मैं पहले तो यहाँ से कुछ मतलब केवल ड्रेस डाली थी, क्योंकि उसके पहले घर पे एक प्रमोशन किया हुआ था, फिर ड्रेस डाल के यहाँ से गए थे। और फिर जब वहाँ पे पहुँचे तो पहले गाना सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद वहाँ पे आधे एक घंटे जो भी आप ब्लॉगिंग में दिखा है वो प्रमोशन का नहीं था वो, पहले फिर वहाँ पे गाना सेलेक्ट किए, फिर इन्जॉय किए, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पे कार में ना, आपको पता है मैं कंघी सीसा मेकअप का सामान थोड़ा बहुत लेके गई थी, फिर वो ठीक किए, क्योंकि हुलिया में बहुत बुरी हाल वहाँ पे करके गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमको बार बार लग रहा था ना घर से निकल जाओ, वहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक कर लोगे कार में तो वो ठीक रहेगा, तो इस तरह से किया। और थोड़ी देर बाद यार जो ज़बरदस्त भूख लगी ना, क्योंकि दोपहर का ठीक से खाना नहीं खाए थे प्रमोशन के चक्कर में। एक्चुअली तो अभी आपको हम लोगों ने पता नहीं, हमने बताया था कि नहीं बताया था, शायद हम अपने चैनल पर बताए थे कि ब्लॉगिंग मतलब वो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम के काम से ना मुझे बहुत प्रेशर होता है। रीज़न ये है कि साड़ियों का प्रमोशन रहता है, तो जैसे कभी रक्षाबंधन आ जाता है या कभी तीज आता है, उसका प्रमोशन होता है, तो उन लोग सोचते हैं कि एक महीने पहले हमारा हो जाए, और भाई एक दिन में एक ही साड़ी की रील डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो बहुत हौच पौच हो रहा है, इससे मेरा यूट्यूब चैनल बहुत प्रभावित हो रहा है, मतलब यूट्यूब पे प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं, और मैं अन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो जो मेरा मेन प्लेटफॉर्म है वो मेरा जो मुझे जिस चीज़ जिस प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा पहचान मिली है वो यूट्यूब चैनल है, वो हर कोई जानता है, मैं इंस्टाग्राम से मेरी पहचान नहीं है, मेरी यूट्यूब चैनल है। तो मैं अपने नाम को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, या मैं अपने चैनल को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल पे ठीक ठाक काम करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दो महीने से या ढाई तीन चार महीने से मेरा सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, और कहीं ना कहीं मैं मेंटल भी बहुत मतलब प्रेशर में रहती हूँ, मतलब मुझे प्रेशर लेके काम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहती हूँ, और मैं सोचती हूँ मेंटल प्रेशर भी ना पड़े, काम थोड़ा कम ही करो, तो इंस्टाग्राम का काम बहुत लिमिटेड अप करेंगे, बस एक महीने इधर और चाहे जो प्रेशर लेंगे उसके बाद से काम बहुत ना के बराबर काम करेंगे, और जो भी मेन फोकस रहेगा मेरा यूट्यूब फेसबुक पे रहेगा, क्योंकि इस पे ना यार मेरा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, अपने हिसाब से हम काम करते हैं, इंस्टाग्राम का मेरा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब वहाँ पे जब प्रमोशन कर रहे हैं तो हम दूसरे ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, दूसरे की चीज़ों का कर रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आती है यार, और एक प्रेशर भी बना रहता है, तो इस तरह से चल रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा थकान है, मेरे चेहरे से देख सकते हो, और इधर ये मोबाइल पर आराम से बिजी है भाई, VIP आदमी, VIP नहीं थोड़ा सा काम कर रहे थे, हमारी वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, हम का वीडियो डाल दें उसमें, कहाँ नहीं पढ़ पाई थी, फेसबुक पे, अच्छा तो ये फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं, और अभी शौर्य यहाँ पर पढ़ने बैठे हुए हैं, तेजस भी अपना कुछ कर रहे हैं, हमको लग रहा पढ़ ही लिख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, सामान सारा फैला हुआ है तो वही सब समेटना है, तो चलो अब ये वाली ब्लॉग भी अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना प्यार अपना कृपया मेरे चैनल पे बनाए रखा करिए। बहरहाल ये वाला जो चैनल आप देख रहे हैं वो तेजस सिंह ऑफिशियल देख रहे हैं, आजकल हम इसी पे ज़्यादा एक्टिव है, अपने ही चैनल पे कम है, तो कोई नहीं। और फाइनली गाइज अब मैं जाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लव यू डियर।